देखिए प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय सिंह। तो आज आपको कराएंगे नया चैप्टर है बहुपद। बहुपद आपका अगला चैप्टर है। बहुपद ऐसा व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। बहु मतलब बहुत से। ऐसा व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका मीन्स हुआ ये एक पद आपका है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। यानी एक चिन्ह लगने से, प्लस या माइनस का चिन्ह लगने से माना दूसरा पद प्रारंभ हो जाता है। x स्क्वायर आपका पहला पद है, 5x दूसरा पद है और 6 हमारा तीसरा पद है। उसमें कितने हमारे तीन पद हैं, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। अब बात आती है किनके प्रकार के आए। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। एक पद में क्या है कि एक पद होता है, द्विपदीय में जिसमें दो पद होते हैं, त्रिपदीय में तीन पद होते हैं। एक दो तीन, ये हमारा त्रिपदीय हुआ। दो पद होंगे द्विपदीय हो जाएगा, और एक पद ये है एक पद हो जाएगा। अब आपका आता है घातों के अनुसार। इसके अनुसार घातों के अनुसार एक होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर मतलब एक्स या वाई की घात एक होती है। कितनी होती है? एक्स प्लस टू बराबर जीरो। एक्स की पावर या वाई की पावर हाईएस्ट वन होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो हमारे क्या हुआ? रैखिक हो गया। अब आपका आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब ये हुआ ऐसा बहुपद जिसकी जिसमें चर राशियों की घात दो से स्टार्ट होती है। कहां से होती है? दो से। द्विघात, द्विघात ना। आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2। ये बात दो हो रहा है ना। तो यहाँ कैसा है? द्विघात समीकरण कहलाएगा। एक आता है त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण क्या है? जिस किसी में x की पावर या चर की पावर 3 होती है, x क्यूब प्लस का 2x प्लस का 5। तीन पर है लेकिन तीन घात से स्टार्ट हो रहा है। त्रिघाती है, ये दो घात वाला है हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो ये हमारा हो गया द्विघाती। और जिसमें एक पावर होती है एक्स हो या वाई या टी, जितनी भी चर राशियां हैं उन सब की पावर एक होती है, वो रैखिक कहलाएगा। दो घात से स्टार्ट होगा वो द्विघाती कहलाएगा। जिसमें त्रिघाती में तीन घात से शुरू होगा वो त्रिघाती कहलाएगा। ठीक है। तो ये आपके हैं बहुपद का मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। रैखिक समीकरण बता दिए आपको, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी आपको बता दिए। और हम कैसे कहेंगे बहुपद ही है, एक ही और आपकी है कि जिसमें एक्स की पावर पूर्णांक के रूप में होती है। किस होती है? पूर्णांक के रूप में होती है। जैसे आपका जगह है एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये हमारा पूर्णांक है। घात एक्स की कितनी? दो। वो क्या है? पूर्णांक है। अगर आपका जगह रूट एक्स प्लस टू, तो ये हमारा एक बहुपद नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर पूर्णांक के रूप में नहीं है। क्योंकि एक्स की पावर इसको हम एक बटे दो भी कह सकते हैं। तो एक बटे दो का मतलब हुआ इसको जो घात है वो पूर्णांक में नहीं है, एक बटे दो हमारा एक परिमेय संख्या है। तो ये याद रखना है कि इसमें चर की घात पूर्णांक रूप में नहीं होगी वो बहुपद नहीं कहलाएगा। मतलब जो संख्या रूट में आएगी वो बहुपद नहीं कहलाएंगी। तो आपका सवाल नंबर पहला है कितना वाली 2.1। पहले का पहला पार्ट 4x² माइनस का 3x प्लस 1, क्या ये बहुपद है? बहुपद तो है आपका, एक दो तीन पद भी है, घात के रूप में देखें तब भी एक्स की पावर 2 है ना। तो ये हमारा कैसा है?
कि वहाँ एक बहुपद है। ठीक है भैया, दूसरा क्या कहता है इसका, दूसरा है y² + √2। अंग चाहे रूट में आए चाहे किसी में आए उसे कोई मतलब नहीं है, हमें पर y जितनी इच्छा राशियां है उसकी घात पूर्णांक रूप में देखनी है। तो यहाँ क्या है, ये वहाँ एक बहुपद है, ये वहाँ है यार। तीसरा है 3√t + √2, तो t की पावर रूट में आ गई ना, तो हाफ होगी ना, जब पावर इसकी आधी होगी तो हमारा एक बहुपद नहीं है, नो के आंसर में आपका आएगा। तो x की पावर देख ले तो पूर्णांक के रूप में होगी तो बहुपद है, 1/2 या 3/2 आती है तो बहुपद नहीं कहलाएगी। चलिए अब आपका एक ही और आता है, इसमें आता है पूर्णांक आता है या गुणांक आता है, दो में क्या है गुणांक, गुणांक में क्या पहचान है भैया देख लो। गुणांक का मतलब हुआ जैसे आपका प्रश्न आता है कि 2x² + 5x + 1। अब यहाँ गुणांक का मतलब होता है x² का गुणांक कितना होगा, x² का गुणांक। इसका मीन ये होगा x² से पहले जो संख्या होगी बाएं पक्ष में वो आपका गुणांक कहलाएगा। तो कितना संख्या है, 2, कितना है 2, x² से पहले 2 है ना, कि x² गुणांक 2 कहलाएगा। अब कहें x का गुणांक कितना होगा भैया, 5 होगा, एक से पहले जो अंक होगा वो गुणांक गुणांक कहलाएगा। x² से पहले 2 है, 2 हो गया, x 5, 1 क्या अचल पद, अचल पद कहते हैं प्योर अंक होता है, प्योर अंक कितना है 1। अगर यूं कह दे x³ का गुणांक कितना है, x³ वाली संख्या दी नहीं गई है यहाँ पर, तब मान ले शून्य होगा, कितना होगा, शून्य है ही नहीं। तो गुणांक के बारे में सीख ले कि जिसका गुणांक पूछे उस संख्या के पहले का जो अंक होगा वो उसका गुणांक कहलाएगा। यदि यहाँ कोई अंक न होता तो हमारा यहाँ कितना था, 1 था ना, तो आपका 1 हो जाएगा। तो गुणांक के बारे में सीख ले कि जिसका गुणांक पूछता है उसके पहले जो अंक होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। सपोज दैट a x² + b x + c, यहाँ पर x² गुणांक कितना हमारा है, a कहलाएगा, x का गुणांक हमारा यहाँ पर b कहलाएगा, और c क्या हमारा है, अचर पद c कहलाएगा। तो ये आप स्पष्ट आपका हो गया है कि गुणांक के बारे में आप सीख गए, आप सवाल लगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं उसी के लिए आपका एक एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन को ऊपर ले चलता हूँ आपको। क्वेश्चन कहता है 2+x² + x, दूसरे का पहला पार्ट, 2+x² + x में x² का गुणांक बताना है। देखिए प्यारे बच्चों आंसर में x² का गुणांक, बहुत सरल सवाल, x² से पहले कितना है, 1 साइलेंट है ना, तो 1 आपका आंसर हो गया। तो x² से पहले 1 है तो 1 हो गया, x का गुणांक भी 1 होगा, अचर पद कहेंगे तो 2 होगा। तो ये आपका इतना ही, तो आज किसे सीखिए करिए, आज के इतना ही, अब कल कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।